दोस्तों, आज हम आपको अदरक के ऐसे फायदों के बारे में बताएंगे जिसमें आप अपनी सोई हुई भूख को जगा सकते हैं और कब्ज को भगा सकते हैं। साथ ही आप प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भूख नहीं लगती तो अदरक कमाल का असर दिखाएगा। अदरक को बारीक काट कर उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें और रोज एक बार लगातार एक सप्ताह तक थोड़ा थोड़ा खाएं। इससे आपका पेट भी साफ होगा और आपको भूख भी लगने लगेगी। इसके अलावा कोल्ड फ्लू जैसी बीमारियों में लाभप्रद होने के अलावा अदरक लूज मोशन और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों के लिए भी लाभप्रद है। इसका नियमित सेवन करने से पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है। अदरक का नियमित सेवन माइग्रेन के दर्द को कम करता है। पीरियड के दौरान पेट में होने वाली ऐंठन में ब्राउन शुगर और अदरक की चाय पीने से आराम मिलता है। शुगर की शिकायत करने वाले व्यक्ति अगर नियमित तौर पर अदरक का सेवन करें तो किडनी के नुकसान की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मिनेस्टा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि अदरक कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम करता है। प्रेगनेंसी के समय होने वाली मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने में अदरक वैसे ही प्रभावशाली है जैसे विटामिन B6 की गोली। यह लूज मोशन के दौरान होने वाले नोजिया में भी लाभप्रद है। अदरक एक बेहतरीन दर्दनाशक है। खांसी, जुकाम, बुखार और सिरदर्द में इसका सेवन करने से तुरंत आराम मिलता है। हीटबर्न को दूर करने में यह बेहद फायदेमंद औषधि है। ऐसी स्थिति में इसे चाय के रूप में लेना ठीक रहता है। त्वचा को खूबसूरत और चमकदार बनाना चाहते हैं तो रोज सुबह में खाली पेट अदरक का एक छोटा टुकड़ा गुनगुने पानी के साथ खाएं। इससे आपकी त्वचा निखर उठेगी। दोस्तों, यदि आप कब्ज से परेशान हैं तो अजवाइन और नींबू के रस में थोड़ा नमक मिला लें और उसमें अदरक मिलाकर खाएं। इससे आपकी कब्ज की परेशानी दूर होती चली जाएगी। अदरक का पाउडर ओवेरियन कैंसर के इलाज में काम आता है। एक शोध में पाया गया है कि अदरक में उपलब्ध तत्व ओवेरियन कैंसर के सेल को खत्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अदरक कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में कैसे सक्षम होता है। आधुनिक शोधों में अदरक को विभिन्न प्रकार के कैंसर में एक लाभदायक औषधि के रूप में देखा गया है और इसके कुछ आशाजनक नतीजे सामने आए हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया है कि अदरक ने न सिर्फ ओवरी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया बल्कि उन्हें कीमोथेरेपी से प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से भी रोका, जो कि ओवरी के कैंसर में एक आम समस्या होती है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ओवरी कैंसर कोशिकाओं पर अदरक पाउडर और पानी का एक लेप लगाया। हर परीक्षण में पाया गया कि अदरक के मिश्रण के संपर्क में आने पर कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो गई। हर कोशिका ने या तो आत्महत्या कर ली, जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है, या उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसे ऑटोफेगी कहा जाता है। अदरक को स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर के इलाज में भी बहुत लाभदायक पाया गया है। जर्नल ऑफ बायोमेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित शोध से पता चला है कि अदरक के पौधे के रसायनों ने स्वस्थ स्तन कोशिकाओं पर असर डाले बिना स्तन कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार को रोक दिया। यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक विधियों में ऐसा नहीं होता। हालांकि बहुत से ट्यूमर कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, मगर स्तन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। वे अक्सर बच निकलती हैं और उपचार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती हैं। अदरक के इस्तेमाल के दूसरे फायदे ये हैं कि उन्हें कैप्सूल के रूप में दिया जाना आसान है। इससे बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं और यह पारंपरिक दवाओं का सस्ता विकल्प है। आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि अदरक कोलोन में सूजन को भी कम करता है, जिससे कोलोन कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 30 मरीजों के एक समूह को 28 दिनों में 2 ग्राम अदरक की जड़ के सप्लीमेंट या प्लेसबो दिए। 28 दिनों बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन मरीजों ने अदरक की जड़ का सेवन किया था, उनमें कोलोन की सूजन के चिन्हों में काफ़ी कमी पाई गई। इससे यह कोलोन कैंसर के रिस्क वाले लोगों में एक कारगर प्राकृतिक बचाव विधि हो सकती है। कई और तरह के कैंसर जैसे गुदा कैंसर, लीवर कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, मेलानोमा और पेंक्रियाज के कैंसर को रोकने में अदरक के तत्वों की क्षमता पर भी अध्ययन किए गए हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि कैंसर रोधी दवा
बीटा एलिमेन अदरक से बनाई जाती है। दोस्तों, अदरक का दूसरा फायदा है मधुमेह में लाभदायक होना। मधुमेह के मामले में अध्ययनों ने अदरक को इससे बचाव और उपचार दोनों में असरकारी माना है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में अदरक को टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए असरदार पाया गया है। अदरक के तत्व इंसुलिन के प्रयोग के बिना ग्लूकोज को स्नायु कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। इस तरह इससे उच्च रक्तचाप, शर्करा स्तर यानी हाई शुगर लेवल को काबू करने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों में पाया गया है कि अदरक मधुमेह से होने वाली जटिलताओं से बचाव करती है। अदरक मधुमेह पीड़ित के लीवर, किडनी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सुरक्षित कर सकती है। साथ ही वह इस बीमारी के एक आम दुष्प्रभाव मोतियाबिंद का खतरा भी कम करती है। दोस्तों, तीसरा फायदा है हृदय के लिए अदरक का लाभकारी होना। अदरक सालों से हृदय रोगों के उपचार में इस्तेमाल होता रहा है। चीनी चिकित्सा में कहा जाता है कि अदरक के उपचारात्मक गुण हृदय को मजबूत बनाते हैं। हृदय रोगों से बचाव और उसके उपचार में अक्सर अदरक के तेल का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक अध्ययन दर्शाते हैं कि इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध आर्टरियों तथा रक्त के थक्कों से बचाव करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें हृदयघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करते हैं। दोस्तों, चौथा फायदा है अदरक एक लोकप्रिय पाचक के रूप में काम में आना। अदरक को हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा एक पाचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके वात को दूर करने वाले तत्व पेट की गैस को दूर करके पेट फूलने और उदर वायु की समस्या से बचाव करते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ को ठीक करने वाले इसके तत्व मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए अजीर्णता में राहत पहुंचाते हैं। भोजन से पहले नमक छिड़क कर अदरक के टुकड़े खाने से लार बढ़ता है, जो पाचन में मदद करता है और पेट की समस्याओं से बचाव करता है। भारी भोजन के बाद अदरक की चाय पीने से भी पेट फूलने और उदर वायु को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको पेट की समस्याएं ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो आप फूड पॉइजनिंग के लक्षणों को दूर करने के लिए भी अदरक का सेवन कर सकते हैं। स्थायी अपच, डिस्पेप्सिया के उपचार, बच्चों में पेट दर्द से राहत और बैक्टीरिया जनित दस्त के उपचार में अक्सर अदरक लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, पांचवा फायदा है मोशन सिकनेस को अदरक के द्वारा कम करना। अलग अलग तरह की मतली और उल्टी को ठीक करने में अदरक बहुत मददगार होता है। गर्भवती स्त्रियों में मॉर्निंग सिकनेस, सफर पर रहने वाले लोगों में मोशन सिकनेस और कीमोथेरेपी के मरीजों में भी मितली की समस्या में यह राहत देती है। कीमोथेरेपी के दौरान वमन रोकने वाली दवाएं दिए जाने के बावजूद 70% मरीजों को मितली की परेशानी होती है। वयस्क कैंसर रोगियों पर किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि रोजाना कीमो से पहले आधा से 1 ग्राम अदरक की डोज दिए जाने पर अध्ययन में हिस्सा लेने वाले 91% मरीजों में तेज मितली की गंभीरता काफी हद तक कम हो गई। अदरक चक्कर के साथ आने वाली मितली को भी कम करने में मदद करता है। इस संबंध में हुए शोध से पता चलता है इस मसाले में उपचारात्मक रसायन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को काम करते हुए उपकाई के असर को कम करते हैं। दोस्तों, छठा फायदा है अदरक के द्वारा जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस में राहत पहुंचाना। अदरक में जिंजरोल नामक एक बहुत असरदार पदार्थ होता है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है। एक अध्ययन के मुताबिक अदरक गंभीर और स्थायी इंफ्लामेटरी रोगों के लिए एक असरकारी उपचार है। कई और वैज्ञानिक अध्ययन भी जोड़ों के दर्द में अदरक के असर की पुष्टि करते हैं। गठिया के शुरुआती चरणों में यह खास तौर पर असरकारी होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित बहुत से मरीजों ने नियमित तौर पर अदरक के सेवन से दर्द कम होने पर बेहतर गतिशीलता का अनुभव किया है। हांगकांग में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि अदरक और संतरे के तेल से मालिश करने पर घुटने की समस्याओं वाले मरीजों में होने वाली अकड़न और दर्द में राहत मिलती है। अदरक कसरत से होने वाली सूजन और मांसपेशियों के दर्द को भी कम करता है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लगातार 11 दिन तक 34 और 40 वॉन्टिलियरों के दो समूहों को कच्ची और पकाई हुई अदरक खिलाई। अध्ययन के नतीजों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अदरक के सप्लीमेंट्स का रोजाना इस्तेमाल कसरत से होने वाले मांसपेशियों के दर्द में 25% तक राहत देती है।
दोस्तों छठा फायदा है अदरक द्वारा माइग्रेन और मासिक धर्म की पीड़ा को कम करना। शोध से पता चलता है कि अदरक माइग्रेन यानी सिरदर्द में राहत देता है। ईरान में किए गए एक फाइटोथेरेपी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि माइग्रेन के लक्षणों के उपचार में अदरक पाउडर माइग्रेन की आम दवा सोमाट्रिप्टन जितना ही असरदार है। क्लिनिकल ट्रायल में तीव्र लक्षणों वाले 100 माइग्रेन मरीजों में से कुछ को सोमाट्रिप्टन दिया गया और बाकियों को अदरक पाउडर। शोध में पाया गया कि दोनों की प्रभाव क्षमता एक जैसी थी और अदरक पाउडर के दुष्प्रभाव सोमाट्रिप्टन के मुकाबले बहुत कम थे। इससे यह पता चलता है कि यह माइग्रेन का अधिक सुरक्षित उपचार है। माइग्रेन का हमला शुरू होते ही अदरक की चाय पीने से प्रोस्टाग्लैंडिन दब जाते हैं और असहनीय दर्द में राहत मिलती है। इससे माइग्रेन से जुड़ी उबकाई और चक्कर की समस्या भी नहीं होती। अदरक डिसमेनोरिया यानी पीड़ादायक मासिक धर्म से जुड़े दर्द को काफ़ी कम करने में मददगार है। ईरान में किए गए एक शोध में 70 महिला विद्यार्थियों को दो समूह में बांटा गया। एक समूह को अदरक के कैप्सूल और दूसरे को एक प्लेसबो दिया गया। दोनों को उनके मासिक चक्र के पहले 3 दिनों तक ये चीज़ें दी गईं। शोधकर्ताओं ने पाया कि अदरक के कैप्सूल लेने वाली 82% महिलाओं ने दर्द के लक्षणों में सुधार बताया, जबकि प्लेसबो से सिर्फ 47% महिलाओं को ही राहत मिली। बहुत से संस्कृतियों में जलन के उपचार के लिए त्वचा पर ताजे अदरक का रस भी डालने की परंपरा है और अदरक का तेल जोड़ों तथा पीठ के दर्द में काफ़ी असरकारी पाया गया है। दोस्तों 8वां फायदा है अदरक श्वास की समस्याओं और दमा के उपचार में असरकारी होना। श्वास संबंधी समस्याओं के उपचार में अदरक के तत्वों के सकारात्मक नतीजे दिखे हैं। शोधों से पता चलता है कि दमा से पीड़ित मरीजों के उपचार में इसका प्रयोग आशाजनक रहा है। दमा एक स्थायी बीमारी है जिसमें फेफड़ों की ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायुओं में सूजन आ जाती है और वे विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं जिससे दौरे पड़ते हैं। हाल में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि अदरक 2 तरीके से दमा के उपचार में लाभदायक होता है। पहला, हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करते हुए और दूसरे, हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को सक्रिय करते हुए। अदरक अपने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी और दर्द निवारक तत्वों के कारण असरकारी होता है। इसके गुण नॉन स्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं के समान होते हैं, मगर इसके नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं होते। जबकि दमा की बीमारी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के चिंताजनक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए अदरक जैसे वैकल्पिक सुरक्षित उपचार का मिलना इस रोग के उपचार में एक आशाजनक खोज है। दोस्तों 9वां फायदा है अदरक के द्वारा सर्दी खांसी में लाभदायक होना। अदरक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है जिससे यह सर्दी खांसी तथा फ्लू का जाना माना उपचार है। ऊपरी श्वास मार्ग के संक्रमण में आराम पहुंचाने के कारण यह खांसी, खराब गले और ब्रोंकाइटिस में भी काफ़ी असरकारी होता है। अदरक सर्दी के समय उत्तेजित होने वाले दुग्धदायी साइनस सहित शरीर के सूक्ष्म संचरण माध्यमों को भी साफ करती है। सर्दी खांसी और फ्लू में नींबू तथा शहद के साथ अदरक की चाय पीना बहुत लोकप्रिय नुस्खा है जो पूर्व और पश्चिम दोनों में कई पीढ़ियों से हमें सौंपा जाता रहा है। अदरक में गर्मी लाने वाले गुण भी होते हैं, इसलिए यह सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और सबसे अहम बात यह है कि यह सेहत के लिए भी हितकारी पसीने को बढ़ा सकता है। शरीर को विष मुक्त करने और सर्दी जुकाम के लक्षणों में इस तरह का पसीना बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से भी लड़ने में मददगार साबित होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अदरक के सक्रिय पदार्थ होते हैं जो आसानी से शरीर द्वारा सोख लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसका फायदा उठाने के लिए उसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों 10वां फायदा है अदरक का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होना। दुनिया में हुए बहुत से अध्ययनों में पाया गया है कि अदरक में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लिपिड पेरोक्सीडेशन और डीएनए क्षति को रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इससे उम्र के साथ आने वाली तमाम तरह की बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स और बाकी रोगों से बचाव में मदद मिलती है।
हालांकि सभी मसालों में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन अदरक उनमें ज़्यादा प्रभावशाली है। इसमें अपनी 25 अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट विशेषताएं हैं। इसके कारण यह शरीर के अलग अलग हिस्सों में तमाम तरह के फ्री रेडिकल से लड़ने में बहुत असरदार होता है। दोस्तों, अदरक का इस्तेमाल करने से हमें ठंड लगने की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है तथा इससे हमारी पाचन शक्ति भी सुधरती है और साथ ही साथ यह हमारे खून को फिल्टर यानी खून को साफ करने में मददगार होता है। इसी के साथ दोस्तों, आप अदरक की चाय बनाने की विधि भी जान लें, क्योंकि यह स्वास्थ्यकर रेसिपी आपको ताजगी और स्फूर्ति से भर देगी। साथ ही इसमें कैफीन के दुष्प्रभाव भी नहीं होंगे। दोस्तों, एक पतीले में 4.5 कप पानी उबालें। पानी के उबलने पर 2 इंच अदरक के टुकड़े को 20-25 तुलसी पत्तों के साथ कूट लें। इस पेस्ट को सूखे धनियों के बीजों के साथ उबलते पानी में डाल दें। 2-3 मिनट तक उबलने दें। उसके बाद चाय को कप में छान लें और स्वाद के लिए 1 चम्मच नींबू का रस और गुड़ मिलाएं और उसके बाद गर्मा गर्म चिस्कारे लेकर आप इसे पी जाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की अदरक के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।